हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एन एम वर्तिका। और आज मैं आपके साथ फिर से कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आई हूँ। आज जो मैं आपके साथ लेकर आई हूँ वो है कुछ स्किन केयर टाइप। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको मेरा चैनल देखना पसंद है, मेरी वीडियोस देखना पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो वीडियो स्टार्ट कर। सो आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है टैन। समर स्टार्ट होते ही सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि टैनिंग अब हमें होने वाली है और हम उसे किस तरीके से बचें, या फिर अगर बाय द चांस टैनिंग हो जाए तो उसे हम हील कैसे करें वापस। तो उसके लिए मैं आज कोई DIY नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं उन लोगों के लिए स्पेशली वो चीज़ लेकर आई हूँ जो DIY नहीं कर सकते हैं, बहुत बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि मैं भी ज़्यादा DIY नहीं कर पाती हूँ। सो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ इट्स एवर यूथ प्योर लाइटनिंग टैन रिमूवल फेस पैक। ये शायद आप लोगों ने बहुतों ने यूज़ किया हो या फिर नहीं किया हो, या कन्फ्यूज़न है कि इसे यूज़ करें ना करें, बट इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर अफोर्डेबल साइट। इसका जो MRP है वो है 99 रुपीज़ इसकी MRP है। 100 रुपीज़ की रेंज में आपको एक टैन रिमूवल फेस पैक मिल रहा है, वो भी सेफ। एक ये एवरयूथ का है। एवरयूथ के प्रोडक्ट तो मोस्टली टीनेजर्स की के माइंड में ज़्यादा रहता है क्योंकि अफोर्डेबल साइट से आते हैं, और बचपन में हम लोगों ने सभी ने कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ किया है एवरयूथ का। मैं शायद एवरयूथ का स्क्रब यूज़ करती थी अपनी टीनेजर टाइम पे जब मैंने स्टार्टिंग किया था, और मैंने इसे यूज़ किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें ये क्लेम करता है कि आपको फर्स्ट टाइम से ही डिफरेंस फील करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको होल बॉडी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके हाथों में भी टैनिंग हो गई है या फीट में टैनिंग हो गई है तो आप उस जगह पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये अफोर्डेबल है। और अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं, मैंने इसे पर्पल से परचेज किया था, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। सो उसमें हमेशा ही ये आई थिंक 89 या 85 की रेंज पे रहता है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे परचेज कर सकते हैं। इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें सलबेरी, मलबेरी, कोको, जोजोबा, इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं। मलबेरी जो है वो आपकी स्किन को लाइटन अप करेगा, और कोको जोजोबा जो है वो आपके टैन को रिमूव करेगा। सो मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हमारे टैन को रिमूव करते हैं, हमारी स्किन में जो वाइटनिंग होता है उसे लिए वापस लेकर आते हैं। इसकी पैकेजिंग की कुछ इस तरीके से बात करें तो ये इस तरीके की ट्यूब में आता है। इसकी इनर पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग सब कुछ यही है, ये कोई कार्ड बॉक्स में नहीं आया था, ये मुझे इसी तरीके से रिसीव हुआ था। और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप इसको कभी भी कहीं भी मतलब बैग में कैरी कर सकते हैं, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, रोज़ गोल्ड इसकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग पर अगर आप इसकी ध्यान दें तो बहुत ब्यूटीफुल पैकेजिंग है, एकदम लग्जूरियस पैकेजिंग है। और इस तरीके का ये ट्यूब है, और इस तरीके की कुछ इसकी कंसिस्टेंसी है। मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। और जब मैंने इसे अप्लाई किया था उसके बाद मेरा फेस जो है, मैं इसको बहुत बार अप्लाई कर चुकी हूँ एक्चुअली। मैं बताऊँ तो आपको, मैंने बहुत टाइम पहले परचेज किया था, सो मुझे लगा कि शायद आपको भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मेरा जो टैन होता है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। सो मैं इसे अप्लाई करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से वर्क करता है। सो मैं इस ट्यूब को ले लूँगी, उसके बाद मैं अपने क्लीन फेस पे इसे अप्लाई कर लूँगी। मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी और नेक पे भी मैं इसे अप्लाई करूँगी। कोई भी चीज़ हमें पूरे फेस और नेक पे भी अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारा नेक और जो फेस होता है फिर डिफरेंस फील होता है। सो अप्लाई करने के बाद ये ड्राई हो चुका है और मैंने इसे वॉश भी कर लिया है, सो आप मेरे फेस पे कुछ बहुत डिफरेंस देख सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा ये फेस पैक अच्छा लगा हो और ये आज की डिटेल वीडियो अच्छी लगी हो इसके बारे में। सो अगर आपको ये लेना हो, और परचेज लिंक मैं आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आपको ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कहीं भी कोई भी शॉप में एवरयूथ के प्रोडक्ट इजीली किसी भी शॉप में अवेलेबल होते हैं, जहाँ से भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए फिर से कुछ इंटरेस्टिंग और फिर से कुछ अच्छा लेकर आऊँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।